हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग संगीता। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है फ्रेंड, क्योंकि हम सूजी से मेदू बड़े की रेसिपी बनाकर लाए हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सूजी लिया है फ्रेंड, एक कटोरी दही, थोड़ी सी हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड। यहाँ मैंने थोड़ी सी पानी ली है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड, एकदम से हमें पानी ऐड नहीं करना है इसमें। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जीरा डाली है, तो मैंने इतना पानी डालकर और इसे ढककर 20 मिनट तक रख देना है फ्रेंड, ढक के कि सूजी अच्छे से पानी को पी जाए, सोख कर ले। तो काली मिर्च पाउडर में है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और हरा धनिया। अब इसे डालकर अच्छे से मिलाएंगे फ्रेंड। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बड़े वाली, जो दाल वाली बड़े होती है, सेम उसी टाइप की दिख रही है फ्रेंड। तो अब हमें इसे पतला नहीं करना है बिल्कुल भी। अब इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट ऑयल है ये। अब इसने अपने हाथों में पानी लगाकर इसे हम आराम से धीरे धीरे डालेंगे फ्रेंड तेल में। थोड़ा आरा टेढ़ा होगा, उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेस्टी बहुत होगी। और ये देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। तो आप ट्राई जरूर करें ये रेसिपी, शाम के समय में और भी अच्छी लगती है और बच्चे को आप लंच में भी आराम से दे सकते हो फटाफट से सुबह में। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे दही की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी या फिर केचप या फिर इसे दाल की चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है। तो कैसे लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले फ्रेंड, और एक बार ट्राई जरूर करें। थैंक यू।